अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? नार बेटा, रूही ने सुपर वुमन का कंपटीशन जीता था ना, उसके लिए इंटरव्यू वाले बार बार फोन कर रहे थे। अभी तो जैसे तैसे मैंने टाल दिया, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा। कुछ भी करके ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि गोविंद का परिवार की बहुत जेल में है। तुम जल्दी से ना वकील से बात करो। मैंने बात की है पापा, केस की स्टडी करके हमें वापस फोन करेंगे। लेकिन सच कहूं तो पापा, मुझे बाहर वालों से ज्यादा रूही की फैमिली की टेंशन हो रही है। क्या दादू, आपको भी कल मम्मी का सपना आया? मुझे भी कल मम्मी का सपना आया था। बेटा तुम्हें काम करो, रूही को पूछो कि वो ठीक है या नहीं, कहीं उसे तो कोई ऐसा सपना नहीं आया। हाँ दादू, मैं पूछती हूँ। उसका फोन ही नहीं लग रहा है, क्या करूँ? एक बार जीजू को ट्राई करती हूँ। जी माथुर जी, देखिए मुझे मेरी पत्नी के लिए बेल चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी पत्नी जेल के बाहर चाहिए। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको सीधे पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिलता हूँ, ठीक है? हाँ जूही बोलो। हाय जीजू, वो रूही का फोन नहीं लग रहा था तो मैंने इसलिए आपको फोन किया, वो ठीक है ना? जूही, वो रूही का फोन खराब हो गया है एक्चुअली, वही रिपेयर करवाने गई है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक है। वो पता नहीं क्यों मुझे और दादू को बड़ी अजीब सी टेंशन हो रही थी रात से, पर अब आपने बोल दिया है तो सब ठीक ही होगा। अब मैं टेंशन फ्री होके कॉलेज जा सकती हूँ। थैंक यू जीजू, बाय बाय। इससे पहले कि रूही के परिवार को कुछ पता चले, मुझे रूही को जेल से बाहर निकालना ही होगा। नहार। हाँ अगले। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो? लेकिन अग्नि, मुझे अभी रूही के केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाना होगा, वकील से मिलना है। तुम टेंशन मत लो, मैं समर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें ले जाए। ओके ठीक है, रूही का लॉकअप से निकलना ज्यादा जरूरी है। मेरा क्या है, मैं समर के साथ चले जाऊंगी। थैंक्स। अधमरी हालत में मैं हूँ और नहर को रूही की चिंता है और घर में सबको उस रूही की चिंता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रूही को लॉकअप से बाहर नहीं आने दूंगी। ये लो, मुझे मार दो। सब क्या हो रहा है? मैं तो अम्मी को बचा रही थी, मैंने उसे मार कैसे दिया? और पिछले कुछ दिनों से मैं घर वालों पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ, जबकि कल रात से मैं जेल में हूँ, तब से तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। और अग्नि ने मुझे मिलने के लिए उस गोडाउन में क्यों बुलाया था? ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? पर मुझे पूरा यकीन है कुछ तो ऐसी कड़ी है जिससे मैं जोड़ नहीं पा रही हूं। और अचानक हमारे झगड़े के बीच वही इंस्पेक्टर कैसे आ सकते हैं? वो गोडाउन तो एक सुनसान जगह पर था, कैसे हो सकता है? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है?
जैसा आपने कहा था वैसा ही इसके साथ हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जितनी आसानी से ये जेल के अंदर आई है उतनी आसानी से ये जेल से बाहर नहीं जाएगी। थैंक यू इंस्पेक्टर, जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना अच्छा काम किया है आपने। वो तो करना ही था, आखिर मुझे भी तो इससे बदला लेना था। ये पुलिस रोही को ऐसे क्यों देख रही है? पता लगाना होगा। हमारी उस दिन की मुलाकात ऐसी रंग लाई कि रूही को उसकी औकात पता चल गई। मैंने इसे किसी से मिलने नहीं दिया। लेकिन कल आप इसको पूरे परिवार से मिलने दीजिए। क्यों? क्योंकि कल रूही की ऐसी बदनामी होगी कि रूही क्या पूरा परिवार जिंदगी भर याद रखेगा। खैर, इससे पहले किसी को शक हो मैं यहां से चलती हूं। ठीक। मैम, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ना? नहर? मैम, आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, वो मैं थोड़ी जल्दी में था। कोई बात नहीं। थैंक्स। नाहर वकील के साथ आया है, कहीं ये रूही की बेल ना करवा दे। पर केस तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बेल होना आसान नहीं। जो भी है मुझे पता करना पड़ेगा। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।